एक रात अपने घर पर टीचर साक्षी अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर चेक कर रही थी। तभी उसके पति संजय उसके बगल में आकर बैठ गया। संजय अपने मोबाइल में मस्त था, गेम खेल रहा था। अचानक साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे, वो जोर जोर से रोने लगी। जब संजय को रोने की आवाज आई तो उसने मोबाइल से बिना आंख हटाए पूछा कि क्या हुआ साक्षी, रो क्यों रही हो, मुझसे नाराज हो क्या? साक्षी बोली, नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, दरअसल मैंने स्कूल में परीक्षा के तौर पर एसे राइटिंग में एक बहुत ही अच्छा विषय दिया था कि अगर आपकी इच्छा हो तो क्या बनना चाहेंगे। पति संजय जोर से हंस पड़ा, तो इसमें रोने वाली क्या बात है, फालतू में मेरा गेम खराब कर दिया। साक्षी बोली, संजय 2 मिनट फोन छोड़ो और ये देखो एक बच्ची ने क्या लिखा है उस एसे राइटिंग में, तुम खुद पढ़कर रो पड़ोगे। संजय ने कहा, अरे मैं थका हुआ हूं, प्लीज तुम पढ़कर सुना दो। साक्षी ने आंसू पोंछ कर पढ़ना शुरू किया। डियर टीचर, मेरा ये एसे राइटिंग मेरे पापा को ना दिखाना, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मैं जब भी घर जाती हूँ तो मेरे मम्मी पापा मोबाइल में बिजी रहते हैं, मेरी तरफ देखने का भी बहुत कम टाइम मिलता है उन्हें। मोबाइल का इतना ध्यान रखते हैं वो, इतनी केयर करते हैं मोबाइल की, वो मुझसे ज्यादा तो उनके फोन से प्यार करते हैं। मेरे पापा और मम्मी शाम को थक जाते हैं लेकिन उसके बाद मेरे साथ वक्त नहीं बिताते, अपने मोबाइल के साथ वक्त बिताते हैं। उनके पास उनके मोबाइल के लिए बहुत समय है लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं 3 बार बुलाती हूँ तो मेरी आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती और मोबाइल की हल्की सी रिंगटोन भी बज जाए तो अपना काम छोड़कर मोबाइल देखते हैं। मेरी इच्छा होती है कि मेरे मम्मी पापा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाए लेकिन खाना खाते वक्त भी उनके एक हाथ में मोबाइल ही रहता है। मैंने तो सुना था सुबह उठकर एक माँ अपने बच्चों को उठाती है, देखभाल करती है, लेकिन मेरी मम्मी सुबह उठते ही मोबाइल देखती है, मुझे कभी नहीं उठाती। मेरे पापा अपने मोबाइल में पूरे दिन फालतू वीडियोस देखते हैं, हर समय गेम खेलते रहते हैं, लेकिन अगर मैं उनके पास मेरा कोई काम लेकर जाऊँ तो कहते हैं बेटा आई एम बिजी। इतना ही नहीं, अब मेरी मम्मी ने खुद के वीडियोस बनाने शुरू कर दिए हैं, इसीलिए कई बार रात में देर से सोती है तो सुबह देर से उठती है, और सुबह जब मेरा टिफिन तैयार नहीं रहता तो मुझे पैसे देकर कहती है कैंटीन में खा लेना। मेरे टिफिन से भी ज्यादा जरूरी मम्मी को उनका स्मार्टफोन है। हाँ, डॉटर्स डे के दिन दोनों मेरे साथ फोटो लेते हैं और वो मेरे लिए नहीं, अपने अपने स्टेटस में डालने के लिए, जिससे दुनिया को पता चले कि वो भी ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। वीडियो कॉलिंग पर अपने दोस्तों के साथ एक एक घंटे तक बातें करते हैं, लेकिन जब मैं कोई कहानी सुनाने कहूँ तो कहते हैं बेटा इंटरनेट पर सुन लो। वो दोनों ही मेरी आदतें बिगाड़ रहे हैं। फिर कल अगर मैं गलत रास्ते पर चली गई तो पूरी दुनिया मुझे गलत बताएगी, इसलिए मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं भी एक स्मार्टफोन बन जाऊं, पूरे दिन अपने पापा के हाथों में रहूंगी, रात को सोते समय भी उनके आंखों के सामने रहूंगी, सोने के बाद भी उनका हाथ मुझ पर ही रहेगा। खाना तो नहीं मिलेगा लेकिन हाँ, टाइम टू टाइम रिचार्ज होता रहेगा, मेरा पूरा ध्यान रखा जाएगा, मुझे खरोच भी नहीं आने देंगे, जहां भी जाएंगे मुझे अपने साथ ले जाएंगे, हमेशा दोनों के आंखों के सामने रहूंगी। संजय थोड़ा भावुक हुआ लेकिन फिर से अपने गेम में लग गया और साक्षी से बोला कि ठीक है, अच्छा लिखा है, इसमें रोने जैसा कुछ नहीं है, तुम्हें इतनी सी बात पर रोना क्यों आ गया साक्षी, बी स्ट्रॉन्ग, कम ऑन। तो साक्षी ने कुछ ऐसा कह दिया कि खुद संजय भी अपने आप को संभाल नहीं पाया। साक्षी बोली कि संजय ये ऐसे जिसने लिखा है वो अपनी ही बेटी है। दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, भागते हुए अपनी बेटी की बेडरूम में गए, देखा कि वो अपने मम्मी पापा की तस्वीर से लिपटकर सो रही है। ये दृश्य देखकर दोनों को रोना आ गया। साक्षी और संजय दोनों ने अपनी बेटी को नींद से जगाया, उसको उठाकर दोनों ने क्षमा मांगी, कहा कि बेटी तुमने हमारी आंखें खोल दी, हमें माफ कर दो, अब से स्मार्टफोन नहीं, तुम हमारी आंखों के सामने रहोगी। पूरे परिवार के लिए बहुत ही भावुक पल था। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट द्वारा बताएं, और अगर आपको लगता है कि ये कहानी शेयर करने जैसी है तो तुरंत अपने दोस्तों, परिवारजनों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी सुंदर कहानियों के लिए इमोशनल वीडियो स्टोरीज पेज लाइक कर दीजिए और YouTube पर हमें सब्सक्राइब कर दीजिए।